कैसे हैं सब लोग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बाहर से, मतलब कि घर के बाहर से। तो घर के तीनों फैमिली मेंबर बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए, एक बंदा कर रहा है साइकिलिंग जो कि ये है, मैं कर रही हूँ वॉक, और सूरी साहब निकल चुके हैं रनिंग पे। क्या हो गया इनको? इच हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा हिल है। तुम पागल हो गाइस, अभी आपने देखा क्या हुआ, मुझे लगा मेरे ऊपर कोई चिपकली या ग्रास हॉपर है, मेरे फोन पे कोई नंबर डायल हो रहा था। तो व्लॉग की शुरुआत तो बहुत ही ड्रामेटिक हुई है, हे भगवान। अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है व्लॉगिंग के थ्रू ना आपको मेरे सारे रंग नजर आ रहे हैं, मुझे सीरियस, मुझे बहुत डर लगता है कोई अगर मुझे खड़े खड़े ऐसे बोल दे ना प्रीति, कोई मुझे ऐसे कर दे भाई चले हे भगवान। चलो चलते हैं फिलहाल, और सूरी साहब को देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचे। देख ली सबने ये रील? नहीं देखी तो देखो जाके। एक बार अपनी बाइक चलाने दे प्लीज। Are you crazy? I'm not crazy, but you asked me so many times, mom. And answer is no, no, no. पता है ऐसा बच्चा भगवान सबको दे, इतना प्यारा है ना ये, बता नहीं सकती। एक बार अपनी बाइक नहीं चलाने दे रहा, इतना मजा आता ना छोटी बाइक चलाने में। छड्डो जी, खैर एनीवेज बहन लेगी ये वाला स्कूटर जो सामने बंदा चलाता हुआ आ रहा है, मैं चलाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आज। और हम ढूंढ रहे हैं अपने पति को जिसका नामो निशान अभी तक नजर नहीं आता। सॉरी, हाँ हाँ वो उसका, तू ऊंचा बोल ले हैं, थोड़ी अंग्रेजी में और बातें कर ले ताकि उसको समझ में आ जाए। तो गाइस सामने आ रहे हैं हमारे मिल्खा सिंह। ले लड़का ना पूरे एप्स वैप्स बनाने पर लगा हुआ है, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मुझे बता रहा था, कह रहा मैंने एप्स बनाने हैं। Oh my God, रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे guys. ध्यान से देखिए इस शख्स को। I'll catch you, go by. Oh my God, you talking in English. Wow. आज सूरी खानदान सारे शौक पूरे करेगा। तो मैं ले रही हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर। I'm getting it too. तुम एक काम करो, तुम जो अपनी बाइक वहाँ छोड़ के आयो ना, और तुम ये भी कर लो, तुम सारी सब कुछ कर लो। Mommy can hold my bike. बस हो गया। बस रन करके हम बैठ गए यहाँ पे अबीर को कुछ खाना खिलाने। अबीर क्या खा रहे हो आप? तो अबीर खा रहा है हॉट डॉग, और प्रीति अपनी स्कूटर पे घूम रही है पता नहीं कहाँ पे। तो देखते हैं अभी आने वाली है शायद। आज हुई है 4 किलोमीटर का रन, और आज कल से पेस थोड़ी स्लो चल रही थी क्योंकि अबीर भी मेरे साथ था, और अबीर बीच में मिल गया, प्रीति बीच में मिल गई, तो मैं उनका एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब उनका एक्सक्यूज़ ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आज मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी कम थी, इतनी भी कम नहीं थी। क्या 26 मिनट में मैंने 4 किलोमीटर ख़त्म करे। 104 किलोमीटर्स इन 26 मिनट्स। That's a pace of 6 minutes and 20 seconds, I think. तो अराउंड 10 सेकंड का फर्क है कल से, बट यू की 1 माइल, दैट्स फाइन। तो देखते हैं प्रीति सूरी का है, आई थिंक लगता है उसका स्कूटर अब बंद हो गया, एंड हो गया, दोबारा ऑन कर दूँ? राइड एंड हो गई है प्रीति की, जरा ये आ रही है प्रीति सूरी अपने ऑरेंज सन ग्लासेस में। और मैंने वो स्कूटर को पार्क कर दिया गाइस, क्योंकि पता नहीं मुझसे क्या बटन दब गया, वो मेरी राइड ही एंड हो गई है। दोबारा खोल देते हैं? नहीं कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आ जाएंगे। तूने फोटो खींच ली उसकी? हाँ, मैं टोपी कैसे पहनी हुई है? तूने फोटो खींच ली? हाँ हाँ, टोपी फोटो नहीं खींची। जाओ फोटो खींच के, सामने इतना अच्छा खाना पड़ा है, और बहन करी इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसे दिल ललचा रहा है। जाओ जल्दी जाओ करके आओ जरा। इजाजत दे दी है अपनी बाइक पे बैठने की, और ये प्रीति सूरी को देखो जरा, पुराने टाइम वापस आ गए। मेरा बचपन से शौक था, बहुत साइकिल चलाती, मैं ट्यूशन साइकिल चला के जाती थी। हैं सच में, आज जा दूर मत निकल जाइयो, ट्यूशन नहीं आज तेरी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दे दे उसकी आवाज तेज हो रही है। सफर नहीं है सुहाना, बच्चा रोया। जा उसको दे दे उसकी बाइक दे। भाई इतना अच्छा दिन है ना, वापस आ गए, और यहाँ पे खेली जा रही है फ्रिस्बी, वाटर फ्रिस्बी खेल रहे हैं दोनों, सीरियसली। और आपकी मुरेती, वी कैन सी ऑन द ग्रास, आई सो हॉट, सीरियस आप खुश है मेरे। हाय मजा आ गया घास पे चल के, दिखाइयो एक मिनट। हाँ मुझे दे, हाय कैमरा मेरी तरफ कर, फ्रिस्बी कहीं और ही जा रही है, कैमरा तुम्हारी तरफ है। चलो तुम लोग खेलो ठीक है,
एक देना बेटा, एक देना, एक देना। तो गाइस ये देखो प्यार का पैगाम जा रहा है सूरी साहब की तरफ। ये देख एकदम तेज तरह पहुंची है। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ सैलेड और करने जा रहे हैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक। ये बड़ी सिंपल रेसिपी है। ऐसी एक सिमिलर रेसिपी मैंने 2 दिन पहले अपने शॉर्ट्स में भी पोस्ट करी थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हो। और ये भी एक और सैलड की रेसिपी है, जैसा कि मैंने कहा बहुत ही सिमिलर है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एवोकाडोस कट करे हुए, और क्यूकम्बर है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, बहुत सारा पुदीना है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्च है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, और है कटे हुए प्याज, और यहाँ पर है ऑलिव्स। और ऑलिव्स मैं हमेशा सुपरमार्केट से लेकर आती हूँ, तो ये चिली ऑलिव्स हैं। ये चिली एंड गार्लिक के फ्लेवर्ड ऑयल में आते हैं, थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर है, ये भी हम सैलड में यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर है ये फ्रेंच ड्रेसिंग जो कि किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाती है, ये सेंसबरी की अपनी है और इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तो 15 ml में सिर्फ 11 कैलोरीज होती हैं। और हमारा सैलड का जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है उबले हुए चने और उबले हुए राजमा, इसको डाल देंगे हम ऑलिव्स के साथ बोल के अंदर। और ये जितना सारा मैंने खीरे एवोकाडोस पुदीना प्याज और हरी मिर्च काट रखी हैं, इनको भी हम बोल के अंदर डाल देंगे। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से रेसिपी बताना ना कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। इसको मैं अभी कैमरा रख के इनको भी डाल दूंगी इसके अंदर। ये जो हमारा ऑलिव ऑयल का जो ऑयल है तो ये भी सब डाल देंगे इसके अंदर। ऊपर से स्क्वीज करेंगे लेमन, लेमन लाइम जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, तो मेरे पास लाइम अवेलेबल था तो मैं वो स्क्वीज कर रही हूँ। मैं इसके अंदर किसी भी तरह का कोई नमक मिर्च कुछ नहीं डालूंगी, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं बट आई डोंट वॉन्ट टू। मैं थोड़ा इसे फ्रेश फ्रेश इसका टेस्ट रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सैलड ड्रेसिंग, तो मुझे नहीं लगता मुझे नमक मिर्च या किसी भी तरह के किसी मसाले की ज़रूरत है। अगेन इट्स अ क्विक एंड ईजी रेसिपी, तो फटाफट से डालते हैं इसके अंदर ये फ्रेंच ड्रेसिंग। बस स्वाद अनुसार आप थोड़ी सी पोर कर दो, ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो वापस से ऊपर से भी डाल सकते हैं। बस अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। कैमरा रख के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ फटाफट से। तो अब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस बोल के ऊपर क्लिंग फिल्म लगाकर इसे फ्रिज में रख दूंगी। उससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर दुगना हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रहेगा और थोड़ा सा सारे इंग्रेडिएंट्स अपना अपना फ्लेवर थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना सैलड का स्वाद थोड़ा सा और दुगना हो जाता है। तो इस पे क्लिंग फिल्म लगा के इसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर थोड़ी देर में हम, मैं और सौरभ दोनों इसे खाएंगे और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्रेक करेंगे। और मैं इस सैलड को सर्व करूंगी पॉप चिप्स के साथ। तो ये पॉप्ड नॉट फ्राइड सी सॉल्ट पॉपडम्स टाइप्स चिप्स हैं। तो इस तरह से मैंने चिप्स को साइड में लगा दिए हैं सैलड के और गार्निश कर दिया इसको एक तरह से मैंने, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और सैलड में एक क्रंच भी आ जाएगा तो सर्व करते हैं सौरभ को एंड आई होप ही विल लव इट। हाँ जी भाई ये लो, ठीक है, ठीक है, जैसी आपको चाहिए वैसे बनाइए। अगर आपको सॉल्ट चाहिए तो मांग लेना, इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इट लुक्स सो नाइस, हम ऐसे खा जाएंगे इसे। सीरियसली तुमने मुंह में डाला और बहुत बढ़िया बोल दिया, मतलब पता ही नहीं लगा मुंह में डाल के दूसरा चम्मच है मेरे लिए। तो अभी सूरी के लिए आज डिनर में प्रिपेयर करा है मैंने ब्रोकली सूप और साथ में है ब्रेड, इस पे मैंने गार्लिक बटर लगाया है, सो आई होप ही विल लव इट। उस दिन स्कॉटलैंड में खाया था, पिया था ना, इसको बहुत पसंद आया था। उस दिन स्कॉटलैंड में यही पिया था ना, इसके ऊपर वैसे मैं क्रीम भी डालती होती हूँ और ऊपर मैंने आपके लिए लिंक भी छोड़ दिया है जिसमें इस सूप की रेसिपी है। मैंने बहुत टाइम पहले एक ब्लॉग बनाया था और उसमें इस सूप की रेसिपी दी थी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। छोटी लुक एट मी पूछड़ी। तो पर्दे कर देते हैं नीचे, अभी सूर्य के सोने का टाइम हो गया यार। ये रिमोट ना दीवार पर लगाना है, डैडी को अपने साथ लेकर सो रहा है। मैं डैडी इतने लंबे हैं वो आपके बेड पे पूरे भी नहीं आ पाएंगे। ओके गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ।
See you in the morning. Bye, bitte. Tomorrow there's gonna be a swimming pool. Oh my god! This is the rhyme I heard from one of the songs. It might be rude, so I don't mean it. Okay. Wait for Rory. He's so cool. He pees in the swimming pool. Good job. This is a good one. Last one. Wait for Debbie. She's so smart. She deserves an A for art. Okay, right. Bye. Good night now. Good night. See you in the morning. Good night.